तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टैंड टेबल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्या है क्यूब। इसमें आपको बताएंगे क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो क्यूब निकालते हैं तो इसके चार स्टेप होती हैं। पहली स्टेप कौन सी होती है, ऐसी संख्या होती है जो शुरू में कितना वन होता है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसके बाद अंत में जो संख्या होती है उसका अंत में संख्या कौन सी होती है, वन। तो ऐसी संख्या का क्यूब निकालना पड़ता है, जैसे 21, 20, 31, 41, 51, 61, 71। और ऐसी भी संख्या का निकालना पड़ता है, सेम संख्या होती है, जैसे 22, 33, 44, 55, 66, 77। और अलग अलग संख्या होती है, 23, 24, 25, 32, 43, 52। तो सभी स्टेप करेंगे, चार स्टेप हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या देगी, ऐसी संख्या लेंगे जो स्टार्टिंग में क्या शुरू में कितनी वन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम 11 तो को पता होगा, तो कौन सा लेंगे संख्या, 12। तो हम क्या करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना पड़ेगा, यानी 12 का जब क्यूब करेंगे तो इसमें जो संख्या आप लिखी है 12 लिखी है, तो इसको सेम लिखेंगे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड संख्या। तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। फिर दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर एक संख्या छोड़ेंगे, एक संख्या यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 का दोगुना कितना, 4 हो जाएगा, और 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा, 8 4 12 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बन हो जाएगा, 17 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल इसका लेते हैं, हमें किसका निकालें, तो हमें 13 का क्यूब निकालना, कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 30 लिखें, 13 को क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करें, सेकंड संख्या का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 9। फिर सेकंड संख्या का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एक संख्या इधर छोड़ेंगे, एक संख्या इधर छोड़ देंगे, तो 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6, 9 का दोगुना 18, इसको ऐड कर देंगे, 27 के लिखेंगे 7, 9 3 27 2 29 9, 6 3 9 10, 6 3 9 और 9 2 11 का 1, यानी 2 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 21 से 97 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप्स सेकंड लेते हैं, ठीक है, स्टेप सेकंड। इसमें क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या लेंगे जिसका अंत में कितना वन है, ठीक है, इकाई का अंक कितना है, वन है। तो इसको करेंगे, जैसे यहाँ पर 21 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 में जो संख्या यहाँ पर लिखी है उसको सेम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4। फिर पहली संख्या का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, 4 का दोगुना 8, 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 1 4 2 6 8 4 12 2 8 और 1 1 9, 9261 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 31 का हमें क्यूब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 31 लिखेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। फिर पहली संख्या का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एक संख्या इधर छोड़ देंगे, एक संख्या इधर छोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 का दोगुना 18, 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, 1 6 3 9, 9 3 27 के साथ 27 और 2 कितने हो जाएंगे, 29, यानी 29,791 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टेप्स थर्ड, एक सवाल और इसका अगर लेना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखो, जैसे हमें किसका निकालना, 41 का निकालना है, ठीक है, क्यूब। तो यहाँ पर 41 लिखेंगे, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, फिर 4 का क्यूब करेंगे, 64 हो जाएगा, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, 16 का दोगुना 32 हो जाएगा, सही, और 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 1 8 4 12 के 2 और 16 3 48 48 1 49,
और हाँ से चार, 64 4 कितने हुए 68, यानी 68921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या लेंगे जो संख्या है सेम, जैसे यहाँ पर 22 है, 33 है, 44 55, ऐसी संख्या लेनी चाहिए। तो सेम 22 को हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, जैसे यहाँ पर 2 दिया है, अगर यहाँ पर 33 का होता तो यहाँ पर 3 होता, तो यहाँ पर 2 जो संख्या दी है तो इसका 4 बार क्यूब करेंगे। कितनी बार, 4 बार, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, 8 का दोगुना 16, 8 का दोगुना 16, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, 8 3 24 के 4, 8 3 24, 24 2 26 के 6, और 8 2 10, 10648 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और एक करते हैं, जैसे हमें किसका 33 का हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, तो उस क्या करेंगे, 3 का कितना होगा, 3 4 बार हमें क्यूब करना पड़ेगा, 3 का क्यूब कितना, 27, फिर 27, फिर 27, यानी 27 4 बार लिखेंगे, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, एक संख्या 27 का दोगुना 54, यहाँ पर 27 का दोगुना 54, 27 के लिखेंगे 7। ठीक है, 27 3 81, 81 2 83 3, और 27 3 81 8 89, 27 8 35, 35 4 9 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टेप फोर लेंगे, इसमें हमारी कौन सी संख्या होंगी, ऐसी संख्या लेंगे जो जो संख्या अलग अलग होती हैं, 23 है, जैसे 23 24 यहाँ 25 और 52 43, ऐसी संख्या का हमें क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या निकालते हैं, 20 23 का हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ पर देखो, देख सकते हैं, पहली संख्या का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे, 27 हो जाएगा, पहली संख्या का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर कितना 4, और 30 दूसरी संख्या में गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएंगे। फिर क्या करें, यहाँ पर संख्या कौन सी लिखेंगे, पहली दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और पहली संख्या में गुणा कर, 9 2 18 हो जाएगा, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, एक संख्या इधर छोड़ देंगे, 12 का दोगुना 24 हो जाएगा, 18 दोगुने 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो 27 के 7, 18 3 54 54, और 2 56, और 12 3 36, 5 41, 8 4 12, 12167 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, 24 का, जैसे हमें 24 का हमें क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, सेकेंड संख्या का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, पहली संख्या का स्क्वायर करके, ठीक है, दूसरी संख्या में क्या करें, गुणा, 4 चक 16 हो जाएंगे, और दूसरी संख्या स्क्वायर, 4 चक 16 16 दूनी 32 हो जाएंगे, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, 16 का दोगुना 32 32 दूनी 64 हो जाएंगे। ठीक है, तो 64 के 4, और 32 3 96 96 6 2, हासिल कितनी 10, और बस 16 3 48 10 58 के 8, 8 5 13 13 8 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें, और जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।